हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मैथ में रियल नंबर और रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.2 ये आपको हम बताएंगे। एक्सरसाइज 1.2 इसके क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको 1.1 एक्सरसाइज पूरी समझाई थी। कॉपी पर अपने नोट्स बनाते रहिए, सवालों को सॉल्व करते रहिए। आज इस प्रश्नावली में हम आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस प्रकार से हल करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये याद रखें, जो आपके फार्मूले हैं LCM और SCM, इन फार्मूलों को याद रखें, क्योंकि इस बेस पर भी इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। छोटी क्लासों में आपको बताया गया है, जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू SCM को मासा बोलते हैं, मासा गुणे ओके। अब इस फार्मूले से मान लो मासा और लासा दिया है, एक संख्या दी है, दूसरी संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं? देखो, दूसरी संख्या इज इक्वल टू मासा गुणे बटे पहली संख्या। सारे फार्मूले हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। यदि पहली संख्या आपसे पूछी जाए तो पहली संख्या सूत्र वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज है, अपान में क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। और यदि दोनों संख्याएं दी हो और इन दोनों में से कोई एक दिया है और एक ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लो मासा ज्ञात करना है, तो मासा ज्ञात करने के लिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अपान लासा। और यदि आपको लासा ज्ञात करना हो या LCM ज्ञात करना हो तो यही फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अपान क्या हो जाएगा, LCM यानी मासा। तो इन फार्मूलों को भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार और भी है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, मासा और लासा में से कोई एक दिया है, एक ज्ञात कर रहा है, तो फार्मूला यही चलेगा। जैसे मासा ज्ञात करना, तो आप लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे लासा। यदि लासा ज्ञात करना हो, मासा दिया है, तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल अपान मास। ये आपको फार्मूले भी याद रखना है। इन फार्मूलों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे, उनको हमको बताना है कैसे सॉल्व करेंगे। यदि फार्मूले आपको पता है तो सारे क्वेश्चंस आप हल कर सकते हैं। वही ये एक्सरसाइज कठिन नहीं है, केवल थोड़ा सा आप समझिएगा तो आपके सारी चीज़ें समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कहता है कुछ संख्याएं दी, कहा बताया आपसे कि इनके अभाज्य गुणनखंड से विद द्वारा SCM याद कीजिए, LCM याद कीजिए। तो अभाज्य के बारे में भी आप समझ लीजिएगा। अभाज्य का मतलब क्या होता है? वे संख्याएं जो किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित ना होकर स्वयं से
या एक से विभाजित हो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वह संख्याएं जो किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित ना होकर वह स्वयं से या एक से विभाजित हो तो इस प्रकार की संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्याओं में भी आपसे कभी कभी अभाज्य संख्याएं पूछ ली जाती हैं कि अभाज्य संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं। तो कुछ लोग तो वन से ही बताना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग तो थ्री से बताते हैं, कुछ लोग टू से बताते हैं। ये क्लियरिटी ही नहीं कर पाते हैं कि हमारी अभाज्य संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं। तो याद रखिए अभाज्य संख्याएं सदैव दो से प्रारंभ होती है, क्योंकि दो एक ऐसा अंक है जो सम भी है और अभाज्य है। एक अंक आपका जो है वो ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर है जिससे सारी संख्याएं बनाई जाती है। इसलिए दो से प्रारंभ किया गया, तीन से नहीं करेंगे। है तीन भी, लेकिन उसके पहले कौन है? दो। समझ गए? तो देखिए इन सूत्रों को याद रखिएगा, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं, एक्सरसाइज लेकर के चलते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है अभी हम आपको बताते हैं, थोड़े क्वेश्चन नोट भी करते रहेंगे। यह बुक है आपके पास तो वहां से भी आप समझ सकते हैं, अपनी बुक खोल लें। जब भी वीडियो प्रारंभ करें तो अपनी बुक को पहले खोलें, एक्सरसाइज खोलिए और क्रम वाइज अपने क्वेश्चन को देखते जाइए। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणन खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें आपको पांच खंड दिए, 140, 156, 3825, 5005 और 7429। ये आपकी दी है संख्या। इन पांचों में से हम आपको एक बताएं। खाली आपको हिंट देना है किस प्रकार से हमें निकालना है। जैसे 140 पहला जो किया गया है, 140 इनको बताया गया है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए यहाँ लिखेंगे कैसे, हल कैसे करेंगे। लिख देंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब बहुत बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है थोड़ा बहुत आपको पता है निकाल लेंगे, बड़ी संख्या होगा तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो आप भाषा द्वारा और लासा के द्वारा आपको पता है, जैसे लासा से निकालते हो सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हैं, 2 से 4 और जब तक ये 2 से कटता रहेगा हम 2 से इसको विभाजित करते रहेंगे। 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 35 किससे हम लिखेगा विभाजित होगा 5, क्रम से चलेंगे 5 × 7 = 35। यानी कहने का मतलब है 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन है? देखिए हमने 4 तो नहीं किया, 2 से किया, क्योंकि 4 आपका अभाज्य नहीं है वो भाज्य है। इसलिए 2 × 2 यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7, या इसको आप लिख सकते हैं 2 × 5 × 7। यही आपका आंसर। क्या ये कठिन है क्वेश्चन? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो आप पहले अलग निकाल लो और उसके बाद यहाँ पर उसको दर्शा दीजिए। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो। ये पहले क्वेश्चन का पहला खंड हमने बताया, पांच खंड है, पांचों खंड आपको इस प्रकार से साफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने पहले ही बताया कि वीडियो जैसे आप चलाए तुरंत बुक को खोल लीजिएगा, एक्सरसाइज पे पहुंचिए, वहीं से क्वेश्चन देखते रहिए। दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है। अभी हमने फार्मूला आपको बताया था, यहाँ पर
एलसीएम को निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। अब दोनों तरीका देखिएगा, हम अभाज्य गुणनखंडों के तरीके से ही हम आपको बताएंगे कैसे आपको निकालना है। ये सारी चीज़ें देखेगा, एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे और एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे। दोनों संख्याएं आपको दिए, इसमें भी इस क्वेश्चन में भी आपको तीन खंड दिए गए हैं, जिसमें पहला खंड में आपको बताते हैं, बाकी से इस खंड अपने आप लगाएंगे। पहला खंड है 26 और 19। दूसरे क्वेश्चन का पहला 26 और 91, इसका हमको एचसीएम भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है, और फिर हमें ये सिद्ध करना है क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो देखिएगा, हम इसके अभाज्य गुणनफल ज्ञात करेंगे। 26 के पहले के अभाज्य, इसको निकाल तो दूसरे तरीके से भी सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया था कि 26 है, जानते भी आप हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 3 6, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 3। अभाज्य गुणनखंड हो गए। ऐसे ही 91 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसमें आपको बार बार प्रक्रियाएं नहीं करना होगा, ये कहीं जब खंड आप निकाल लेंगे तो एचसीएम और एलसीएम साथ ही में निकल आएगा, इसलिए इस तरीके से बता रहे हैं। 91 को भी आप जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं, देखिएगा, 7 × 7 = 21, 13 × 91 होता है 7 × 3। ओके, अब देखिए हमें इसका एचसीएम ज्ञात करना है और इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो बात समझ लीजिएगा, दोनों संख्याओं का एचसीएम, दोनों दो संख्याएं दी है, इन्होंने बताया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए, फिर जांच कीजिए। तो चाहे आप सीधे एचसीएम लिख दो या आप लिख दो दोनों संख्याओं का एचसीएम, संख्याओं का मासा जिसको बोलते हैं, यानी तो एचसीएम में ये ध्यान रखना है कि एचसीएम कैसे निकालते, दो संख्याएं चाहे 10 संख्याएं, वे अंक केवल यहां लिए जाएंगे जो सभी संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड मिलते हो। तो यहां पर देखिए, पहले में 2 है, क्या दूसरे में है? नहीं, हम 2 नहीं ले सकते। दूसरे में 7 है, पहले में 7 नहीं ले सकते। और देखिए, दोनों संख्याओं आपका 13 दिया है, इसलिए इसका एचसीएम क्या होगा? 3 आंसर। अब देखिए, इसी का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम में ध्यान दे, जो उभयनिष्ठ हो वो भी आप लेंगे और जो ना हो वो भी आप लेंगे। जैसे 2 इसमें है, इसमें नहीं है, हम 2 को लेंगे। इनटू यहाँ पर देखिएगा, 13 दोनों में है, 13 ले लेंगे, लेकिन 2 बार नहीं, एक ही बार लेंगे। और इनटू फिर देखिएगा, 7 दूसरे में है लेकिन पहले में नहीं है, तो इसको भी हम लेंगे। आप देखिए, इनकी इनकी मल्टीप्लाई कर 13 × 26 का गुणा आप 7 से कर, 7 × 6 = 42, 7 × 14 = 48, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया? 182। ये आपके बात समझ में आ गई, ये दूसरा आंसर हो गया। आपसे ये तो पूछा था एलसीएम और एचसीएम दोनों निकालिए, लेकिन फिर कहा है, याद कीजिए कि एचसीएम और एलसीएम का गुणनफल दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर है या नहीं है, यही आपसे बताया गया है। तो देखिएगा, सूत्र हमने पहला सूत्र बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएम इंटू एलसीएम,
तो पहली संख्या आपकी कितनी है 26 इंटू 91 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है 30 और एलसीएफ कितना है 182। अब देखिए इसका गुणा करते हैं, 91 का गुणा हम कर देते हैं 26 से, 6 9 14, 2 1 2 2 9 18, 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2, इसका गुणनफल कितना है 2,366। अब फिर हम गुणा करेंगे, 182 का गुणा हम करेंगे 13 से, देखिए 3 2 6 3 और 24, 3 1 3 2 5, 1 से गुणा कर दोगे सब वही रहेंगे, 4 2 6 8 5 13 1 1 2, यानी 2,366। यानी लेफ्ट का मान देखिए राइट के मान के क्या है बराबर आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये छोटी क्लासों में भी आपको बताया गया, यहां पर ही नहीं छोटी क्लास में भी आपको बताया गया। तो सबसे पहले आप जो भी अंक दिए हैं, पूर्णांक दिए हैं, संख्याएं दी है, वो चाहे दो चाहे तीन हो, ये आपको ध्यान रखना है कि उसके एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे ज्ञात करें। ठीक, तो इस तरीके से सिद्ध करने में आपको दो ही संख्या है, अभाज्य गुणनफल से निकालना, नहीं तो आप भाग करके एचसीएफ ज्ञात कर देंगे और फिर इस पद्धति वाले से आप एलसीएम ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड से दोनों एक साथ निकल आते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए फिर एचसीएफ निकाल लिया, उसके बाद एलसीएम निकाल लिया, ये निकालने के बाद दोनों आंसर में मिल गए। फिर जांच करना है तो हम ये फार्मूला लगा दिया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू मासा गुणे लास, यदि इनका गुणनफल इनके बराबर है तो आपका सूत्र बिल्कुल समझ लो सही। ओके, यही जांच करना, तो सवाल समझ में आ गया। तो इसके दो खंड और हैं, उनको भी आपको अपने हिसाब से लगाना है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन हल करके नहीं बताएंगे, हमने बताया था जांच करने वाले जो इस प्रकार के होंगे उनमें दो ही संख्याएं दी होंगी और इसके बाद हमको खाली एचसीएम एलसीएम निकालना है, तो 3 3 4 4 5 5 संख्याएं पाएंगे अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात कर। जैसे तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसमें दिया है कि 3 पार्ट इसमें भी दिए हैं, 12 15 और 21, 12 15 और 21 देख लीजिएगा, उसको भी बता दे रहे हैं। पूरा प्रयास करते रहिएगा और साथ ही में आप लोग चलते भी रहिएगा, जितना भी कुछ पढ़ाया जा रहा है वो सब आप साथ ही साथ में कॉपी ले लीजिएगा और उस पर सवालों को सॉल्व करते रहिए। तीसरे क्वेश्चन का भी हम आपको पहला पार्ट बता दे रहे हैं, पहला पार्ट दिया है 12 15 21 और 20, इसमें इन्होंने बता ही दिया है कि अभाज्य गुणनखंडों के विध से इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। जैसे 12 की अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसे निकालेंगे, 2 2 4 3 12, नहीं मालूम है तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताए हैं उस तरीके से निकाल लें, तो वो छोटी छोटी चीजें हैं इनको तो निकाल ही लेंगे, समय नष्ट न करें। 15 के अभाज्य गुणनखंड, 3 5 15, फिर 21 यानी 21 के अभाज्य गुणनखंड, 3 7 21 हो गए। अब हमको निकालना है एचसीएफ, क्या ज्ञात करना है एचसीएफ, बहुत छोटे क्वेश्चन हमने बताया था एचसीएफ में अभी पिछले क्वेश्चन में, 2 हो या 3 या 4 यदि सभी में जो अंक मिलेगा वही तो एचसीएफ होगा, 2 इसमें है बाकी दोनों में नहीं है, यही नोट किया जाएगा, फिर 2 दिया है इस सब में नहीं,
फिर तीन संभव है देखिएगा, ये थ्री हम ले लेंगे। सेवन केवल तीसरे वाली संख्या में है, पहली दूसरी में नहीं है, इसको भी नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से 12, 15, 21 इसका एस सी एफ क्या होगा, थ्री होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम क्या करेंगे, हमने बताया था जो कॉमन है वो तो लेंगे, और नहीं है कॉमन वो भी अंक आप उतार लेंगे। जैसे टू सब में नहीं है ले, दूसरा टू भी ले, तीन देखिएगा तीनों में है तो ऐसा मत करना, तीन तीनों में है तो तीन बार तीन गुणे तीन कर रहे नहीं करेंगे, एक ही बार लिया जाए। फाइव देखिएगा कि वो दूसरी संख्या में है, सेवन तीसरी संख्या। अब इसका गुणा करो, दो दुनी चार, चार दिया बारह, बारह पंचे साठ, साठ का एक जीरो ले लो, छः बचा, छः सत्ते बयालीस, इसका एलसीएम आपका 420। ओके, तो एससीएम और एलसीएम याद करने के लिए हमने बताया कि आधार गुणनखंडों के विषय आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके भी तीन पार्ट हैं, अपने एक्सरसाइज को आप खोलेंगे और उसमें क्वेश्चन से देखेंगे, वो लगाएंगे तो अवश्य लगा लेंगे, खाली अपने ही बुक से नहीं, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यदि एचसीएफ 306, 657 ये दो संख्या है और इसका एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम 306, 657 ज्ञात। कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, फार्मूले पर आधारित। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या जैसे मैं बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा, यह है 306, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या ये आपका दिया है कितना, देखिएगा चौथे क्वेश्चन में 657, और यह सीएफ भी दिया है, ये आपका है 9, यानी मासा आपका 9। हम निकाल आसानी से भी इसको सकते हैं, गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, हम क्यों इतने लंबे में जाए, हम सीधे फार्मूला लगा देंगे। हमने बताया था एलसीएम यानी लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मास, जो आपका एलसीएम। इस फार्मूले से क्या आप कर सकते हैं, तो देखिए ये आपका दिया है 306 गुणे 657 बटे 9, 9 से इसको कैंसिल कर दो, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 36, यानी आपका हो गया 34 × 657, दोनों का गुणा कर दो जितना आ जाएगा वही आपका आंसर। ओके, तो इस प्रकार से यदि इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं उनको फार्मूले पर आप हल कर दीजिएगा। जैसे पांचवा क्वेश्चंस भी आपका है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, तो इसमें हम कैसे हल करेंगे, इसमें दिया है यदि एचसीएफ 225, 60 = दिया गया है 225 × 5 − 10 यक्स, ये तो यक्स का मान दिया, यानी एचसीएफ है 225 × 5 − 10, ये एचसीएफ दिया है किसका, ये दिया है 300 दिया है हमारा 225 और 60। देखिएगा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस टाइप के भी आते हैं। देखिए क्वेश्चन है यदि एचसीएफ 225, 60 इसका दिया है 225 × 5 ध्यान दे, और माइनस का कितना दिया, देखिएगा माइनस का है 10x, माइनस का 10x। ओके, ये एचसीएफ आपसे पूछ रहा है x का मान,
तो हम सबसे पहले इसका एचसीएफ नहीं निकालें, ये तो संख्या है, हम पहले इसका एचसीएफ ज्ञात करें कि इसका एचसीएफ है क्या। ये आपका पांचवा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो चाहे तो आप अभाज्य पद से निकाल लें, जैसे 225 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इजी पॉइंट देखते रहिए, इसमें देखेगा 5 4 9 नहीं निकाल पाते, अलग कर ले, 3 से विभाजित हो रहा है इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ, 3 7 21 3 5 15, 7 5 12 3 से कटेगा, 3 2 6 3 5 15, 50 25, यानी हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5, फिर 60 के अभाज्य गुणनखंड इसका भी निकाल लीजिएगा, 2 3 6, फिर यहाँ 15 3 5 15, यानी ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 4 3 12 5 7, इसका हम निकालेंगे सी एफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया है, यहाँ लिखा भी है का सी एफ, इसका एस सी एफ इतना है। तो यहाँ पर एचसीएफ देखिए कितना है, हमने बताया था जो दोनों में कॉमन हो वही आएगा। अब ये देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, तुरंत उतार, अगला 3 नहीं है उसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें 2 2 बार है, उसमें है ही नहीं, इसमें 5 देखिएगा, यहाँ है, यहाँ है, 5 में नहीं, लेकिन इसमें 5 एक है, इसमें एक नहीं है, समझ गए। तो हम उतारेंगे एचसीएफ में वही जो वास्तव में दोनों में है, तो ये आपका हो जाएगा 50। ओके, एचसीएफ हो गया, और ये भी तो आपका एचसीएफ है, ये एचसीएफ इस एचसीएफ के क्या होगा, इक्वल है नहीं, बराबर। ओके, तो यहां पर देखिएगा जो आपका ये दिया है, यहां लिख देंगे 225 × 5 − 10 x इसके इक्वल हो गया। अब इसकी गुणा करके इसको 75, चूंकि यहाँ कोष्टक नहीं लगा है, इसमें यह कोष्टक लगा हुआ था तो ये बटे में चला है, इसलिए केवल आपको भरमाया × 5 अगर उसने कर दिया तो 50 25, 5 × 10 = 12, फिर 5 × 10 और ये 11 माइनस 10 = 50, इसको 75 करेंगे, माइनस 10x 15 माइनस, अब इसको घटाइए, माइनस 10x, देखिएगा माइनस का ज्यादा है, चलिए माइनस पहले लगा लूं, 5 में उल्टा घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, बाकी तो आपको मिस बचेगा, दोनों साइड में माइनस, कैंसिल, प्लस हो जाएगा, 10x = 1100 क्या दिया है 10, और इसलिए x = 1110/10, 0 से 0 कैंसिल, यानी x का मान क्या आया, देखिए x का मान आपका आ गया 111, x बराबर क्या आया 111, और इन्होंने पूछा भी है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे अतः x का मान होगा = 111, यही आपका आंसर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उस पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि उसने जब कह दिया कि इन संख्याओं का मासा इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो हम सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का मासा ही ज्ञात करेंगे, यह लासा दिया होता तो हम लासा ज्ञात करते, और फिर जो मासा इसका आएगा वो मासा इसके इक्वल करके हम हल कर लेंगे, और इस प्रकार से x का मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ कोष्ठक एक लगा होता तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करता, तब तो इससे हम पूरे को करते और उसके बाद हल करते, इस चीज को भी विशेष आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको क्वेश्चन गलत हो। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के 5 क्वेश्चन हमने बताए हैं,
और आप लोग भी प्रयास करिएगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन भी आपके इसी टाइप के हैं, कहीं एचसीएम ज्ञात कर रहा है, कहीं एलसीएम ज्ञात कर रहा है। एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं जो आपका दिया गया है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है आपके, जो आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को भी समाप्त कर सकते। तो देखिएगा एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 में तो वही एचसीएम एलसीएम है, जैसे कि इतने क्वेश्चन हमने आपको बताए, सारे क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से हल हुए। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिएगा किस प्रकार का दिया है, वर्गाकार एक बॉक्स बना हुआ है, क्वेश्चन 6 के भी मिलेंगे आपको। देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है वाई, ये आपको वाई, और इस बॉक्स से दो बॉक्स और निकाले गए, एक इस साइड में और एक इस साइड में, यहां भी बॉक्स बना हुआ है और यहां भी बॉक्स बना हुआ है। देखिएगा ये बॉक्स बना है, इन बॉक्स में क्या लिखा है, इस बॉक्स में लिखा है एक्स और इसमें लिखा है फोर, और फिर एक्स वाले बॉक्स से फिर दो बनाए गए बॉक्स है आपके। देखिएगा ये बॉक्स है और ये बॉक्स, ये इस प्रकार की सीरीज दी है और इसमें लिखा हुआ है 3 और 7, और उसके बाद आपसे पूछा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात। बहुत सिंपल, x का मान निकालने के लिए मैं और भी बता दे रहा हूं, देखिए x का मान बराबर 3 × 7 7 × 21 आंसर हो गया। फिर ये 21 इसमें आ गया, नहीं आ गया, x का मान 21, यहां से जब मल्टीप्लाई किया आपने तो x का मान क्या है 21 आया, तो यहां पर 21 हो गया और यहां पर 4 है, तो y का मान 21 × 4 = 2184, यदि x का मान होगा 21 और y का मान होगा 84। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो हमने बताया कि जहां पर पूरे अंक दिए वहां से प्रारंभ कर सारे मान आपके निकल के चले आएंगे। आप आपको आगे हम पढ़ाते रहेंगे, मैथ में थोड़ा सा रुचि लेते रहिए, मैथ आपको आएगी, कैसे नहीं आएगी, यह कहीं पर प्रॉब्लम है आप जरूर पूछिएगा, मैं बार बार बताता रहूंगा, लेकिन क्वेश्चन आप कभी भी बोर्ड से न नोट करें, स्वयं आप समझिए और स्वयं लगाएं, यानी बोर्ड में जो नोट करके हमने बताया इसको समझिए और क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व, समझ गए, तो अपनी कापी ले करके अपना नोट्स बनाते रहिएगा। और आज इस वीडियो में केवल इतना ही देंगे, इसके शेष क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।